दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सालाना रैंकिंग की भविष्यवाणी की गई है। आने वाले 10 सालों में चीन दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी जगह मजबूत कर लेगा और साथ ही इसी समय में भारत भी अमेरिका से आगे निकल जाएगा। अर्थव्यवस्थाओं की बात की जाए तो हमेशा से ही ये देखा गया है कि दुनिया में हर देश अपनी आबादी के अपने हिस्से के साथ उन्नत करता है और इसमें जीडीपी और पीपीपी दोनों को मापदंडों के रूप में देखा जाता है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, मतलब देश के सभी गुड्स और सर्विसेज की कीमत, और पीपीपी यानी क्रय शक्ति समानता, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका मतलब है कि किन्हीं दो देशों के बीच वस्तु या सेवा की कीमत में मौजूद अंतर। सरल भाषा में बोले तो किसी भी देश में एक अमेरिकी डॉलर में कोई भी चीज मिलती है, वो चीज हमें भारतीय रुपए में कितने में मिलेगी या मिल रही है। रुपए में उस चीज की मात्रा और कीमत में जो भी अंतर होगा, उससे हमारे देश के रुपए या मुद्रा की कीमत तय हो जाएगी। पीपीपी रेट के जरिए अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आय की तुलना भी की जाती है। किसी भी देश की गरीबी के स्तर को नापने के लिए भी पीपीपी एक अच्छा तरीका है। एक अनुमान के मुताबिक 2020 तक भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.8% तक बढ़ जाएगी और 2030 में चीन की आर्थिक वृद्धि दर धीमी हो जाएगी और भारत चीन को भी जल्द ही पछाड़ देगा। पीपीपी के हिसाब से भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है और ये तो पक्का है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। अगले 10 सालों में दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और इसके साथ ही टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भी भारी बदलाव देखने को मिलेंगे। एक अनुमान के मुताबिक इंडोनेशिया 2030 तक चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा, तुर्की पांचवें नंबर पर और लैटिन अमेरिका से एकमात्र देश ब्राजील छठे नंबर पर होगा। मिस्र 7वें नंबर पर पहुंचने की उम्मीद है। खास बात यह है कि रूस के 8वें नंबर पर पहुंचने का अनुमान है। आखिरी दोनों स्थानों पर जापान और जर्मनी का कब्जा रहने वाला है। अगर ये अध्ययन सही निकला तो कनाडा, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन जैसे देशों को टॉप 10 इकोनॉमीज की लिस्ट से बाहर होना पड़ेगा। दुनिया का रुख बदल रहा है। 2018 में एशिया ही जीडीपी का 28% हिस्सा था और 2030 तक इस हिस्से को 35% तक बढ़ने का अनुमान है, जिसका मतलब यूरोप और अमेरिका दोनों को मिलाकर उसके बराबर से भी ज्यादा होने का अनुमान है।